Yeah, yeah. Let me hear that. तो वेलकम करते हैं मेरी फेवरेट तंगना जी का, जो हमें रिव्यू देंगी फिल्म किस किस को प्यार करूं का। तंगना जी नमस्ते। गविंदा, आज सब येड़े क्यों हो गए? तंगना जी, जन्माष्टमी तो कब की गई, आज तो बापू का दिन है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? ये किस किस को प्यार करूं के लिए मैंने थीम सॉन्ग बनाया है। एक्चुअली ये मूवी देखने के बाद मैं गोविंदा जोन में चली गई, मतलब 90s के जोन में। अरे इससे अच्छा था गोविंदा की किसी मूवी को री-रिलीज कर देते, इतनी खराब कॉपी बनाने की क्या जरूरत थी। तंगना जी, इससे समझ में आ गया कि आपको फिल्म कैसी लगी, लेकिन आप और कुछ कहना चाहेंगे? अगर देवदास के ब्लॉक में कपिल शर्मा को कास्ट किया जाए तो फिल्म कैसी बनेगी? एक्चुअली मैं अपने माइंड में कॉमेडी रखकर गई थी कि फिल्म में शायद कॉमेडी होगी, लेकिन फिल्म तो ट्रेजेडी निकली यार। मतलब फिल्म के स्टार्टिंग में कपिल के बिना मर्जी के 3-3 शादियां जबरदस्ती करा दी जाती है विद इन 15 मिनट्स, और ऑडियंस को ट्रेजेडी हजम ही नहीं होती कि एक और ट्रेजेडी। दूसरी कौन सी ट्रेजेडी? फिल्म में जो उसकी तीनों वाइफ्स होती है, एक बोरीवली में रहती है, एक अंधेरी में रहती है, और एक कहाँ रहती है, हाँ, बैंड्रा में। वो तीनों एक साथ एक बिल्डिंग में रहने लगती है। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, बहुत ही स्मार्ट आइडिया है फ्रॉम प्रोड्यूसर। मतलब बजट बचता है यार, सारी फिल्म एक ही लोकेशन पे शूट होगी, इन दैट फनी कॉकटेल टावर। तंगना जी, कॉकटेल तो ड्रिंक होती है ना, ये टावर कब से बन गया? आई एम ग्लैड तुम्हें ये पता है। कविन के साथ रहते रहते तुम्हारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया है। अच्छा तंगना जी, फिल्म में फनी मोमेंट्स के बारे में बताइए। फनी मोमेंट? दिस सो कॉल्ड फनी फिल्म में एक भी फनी मोमेंट नहीं है, कैन यू बिलीव इट? और हाँ, इंटरवल के पहले तो कपिल ने इतना लंबा मोनोलॉग इमोशनल डायलॉग बोला है। आई मीन बुद्धि करो अपना। शी मीन आई मिथुन, आई वृश्चिक, वृश्चिक। तंगना जी, आप रहने दीजिए। आप इतनी मेहनत मत करो, मैंने पिछली बार की थी, मेरी अभी तक तबीयत खराब है। क्या? तो तंगना जी, आप इस फिल्म को कितने शॉट्स देंगी? मैं इस फिल्म को देना चाहूंगी पूरे 1 शॉट, क्योंकि अब्बास मस्तान की वाइट शर्ट उतनी ही वाइट है अभी तक जितनी मैंने बचपन में पैदा होते ही देखी थी। 1 मिनट, इन द एंड आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मैसेज। 1, 2, 3। डॉग गए? ओवर। यू नो व्हाट, मैं यही कहना चाहूंगी कि फिल्म की टिकट पे पैसे मत खर्चो, बल्कि उसका एक अच्छा सा डिटर्जेंट ले लो, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि भला उसके कपड़े तुम्हारे कपड़े से सफेद कैसे। वाह, क्या मैसेज है। क्या हुआ? क्या चले? क्या जबा जबा, मैं से इंग्लिश में बात क्या करो। Let me hear that.